हेलो स्टूडेंट, आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको निश्चित समाकलन सिखा रहा हूँ क्लास 12th का। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आई माइनस 121 एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो देखो, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और इसका हो जाएगा एक्स, लिमिट लगा देंगे माइनस 121, पहली लिमिट रखेंगे तो 1 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, दूसरी लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 और माइनस 1। आप देखिए, 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहा, प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 2 कट गया, एक और एक 2 हो गया, तो ये आंसर आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आई बराबर, दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, लिमिट है हमारे पास 2 से 3, 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, लिमिट लगा देंगे 2 से 3 तो हो जाएगा लॉग 3, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा लॉग 3 माइनस लॉग 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम और आई हम बार बार यहाँ पर चला रहे हैं, ये आंसर हो गया, एम एन वाला फार्मूला लगा दिया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 0 और हमारे पास है π/4, फिर है हमारे पास sin2x dx। sin2x का क्या करेंगे, 2x को t मान लेंगे, माना 2x बराबर t, तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt। तो i बराबर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा dt/2 sin t। साइन टी का होता है cos t, और अपॉन में कितना हो गया 2। अब हमने क्या किया, cos ऐसे ही रहने दिया, t की जगह वैल्यू रख दी हमने 2x/2 और लिमिट लगा दी हमने 0 से π/4, तो ये हो जाएगा कॉज π/4, यहां रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, π/2/2 हो गया, फिर हम नीचे की लिमिट रखेंगे cos 0/2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये सब 0 हो गया, माइनस ये हो गया cos 0 का मान 1, तो 1/2 हो गया, माइनस माइनस की गुणा हो गई तो 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास आई, ये है EX/DX, लिखा है 4 2 5, EX का EX ही रहता है, लिमिट लगा दी 4 2 5, E5 हो गया माइनस E4 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनसे आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे इन इन सवालों से। cos 2x dx 0 to π/2, हमने क्या लिखा, 2x को माना t, माना तो 2 dx बराबर हो गया dt, तो dx बराबर हो गया dt/2। तो आई इक्वल टू हमारा क्वेश्चन हो गया cos t dt/2, लिमिट हो गई, लिमिट नहीं रखेंगे अभी। अब कॉस टी का क्या होता है, कॉस टी का होता है साइन टी हो गया, साइन टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है 2x/2, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, ये हो गया sin π/2, जैसे रखेंगे तो हो जाएगा sin 180, sin π हो जाएगा अपॉन 2 माइनस sin 0/2। sin 0 का मान 0, तो ये सब टर्म 0 हो गई, sin 180 की वैल्यू भी 0 होती है तो ये भी 0 हो गया, तो यानी कि ओवरऑल 0 आया, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, लिमिट है हमारे पास दो से तीन, कैसे करें तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी, तो हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी बटे दो। एक्स डी एक्स मैच कर गया तो आई बराबर हमारा क्वेश्चन हो गया वन अपॉन टी डी टी बाई टू। इसका हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे लॉग टी वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ऐसी रहा, लॉग ऐसी रहा, टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, लिमिट लगा देंगे, लिमिट है हमारे पास दो से तीन, तो हमने लिखा वन अपॉन टू लॉग तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से एक गया आठ माइनस वन अपॉन टू लॉग दो का स्क्वायर चार, चार में से एक गया तीन, इनमें से हमने एक बटा दो कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा लॉग आठ माइनस लॉग तीन, एक बटा दो ऐसी रहा, इसे लिख देंगे लॉग आठ बटे तीन, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्स अपॉन दो से तीन लिमिट है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, माना एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, एक्स डी एक्स मैच कर गया तो आई बराबर हमारा आ गया वन अपॉन टी डी टी बाई टू, ये हो गया लॉग टी, लॉग टी टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन बाई टू यहाँ आएगा, और लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी दो से तीन, वन अपॉन टू ऐसी रहा, लॉग तीन तीन नौ और एक दस हो गया, माइनस दो दूनी चार और एक पाँच हो गया, इसे लिख देंगे वन अपॉन टू लॉग टेन बाई फाइव, वन अपॉन टू दो से काट पाँच से काट देंगे तो लॉग टू हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आठवां, क्वेश्चन नंबर एट क्या है, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन टू लिमिट है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वन टू लिमिट, कैसे करेंगे, एक पावर बढ़ जाएगी तो एक्स थ्री अपॉन थ्री लिमिट लगा देंगे वन टू, टू का क्यूब तो हो जाएगा एट अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा सेवन अपॉन थ्री, आठ में से क्या सात, आंसर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नाइन करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा जीरो से पाई कॉज स्क्वायर एक्स, आई इक्वल टू लिमिट है जीरो से पाई बाई टू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो एक सूत्र होता है, सूत्र लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कॉज टू एक्स बराबर होता है टू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये वन इधर आ गया कॉज टू एक्स प्लस वन हो गया, अपॉन में ये टू आ गया तो ये हो गया कॉज स्क्वायर एक्स, तो आई इक्वल टू हमने लिख दिया जीरो से पाई बाई टू और हमने लिख दिया कॉज टू एक्स प्लस वन बटे टू डी एक्स। अब हमने इसके दो क्वेश्चन बना लिए, जीरो से पाई बाई टू एक बना लिया कॉज टू एक्स अपॉन टू डी एक्स प्लस एक बना लिया हमने जीरो से पाई बाई टू वन अपॉन टू डी एक्स, ये हमारे पास हो गया वन अपॉन फोर साइन टू एक्स, क्योंकि टू यहाँ से आएंगे टू और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर हो जाएगा और साइन टू एक्स, लिमिट लगा दी जीरो से पाई बाई टू प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स, लिमिट लगा दी जीरो से पाई बाई टू, वन अपॉन फोर ऐसी रहा, ये हो जाएगा साइन एक सौ अस्सी, साइन एक सौ अस्सी माइनस वन अपॉन फोर साइन जीरो प्लस वन अपॉन टू पाई बाई टू माइनस जीरो, ये टर्म जीरो हो गया सब, क्योंकि 180 का मान भी जीरो, साइन जीरो क्योंकि साइन का साइकिल ऐसे चलता है,
तो साइन की जो साइन है 180 पे यहाँ जीरो वैल्यू होगी, और जीरो पे भी जीरो वैल्यू है, जीरो यहाँ है 180 यहाँ है, तो जीरो वैल्यू होगी। तो ये दोनों जीरो हो गए, तो हमारे पास मिला पाई बाई फोर, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सूत्र होता है कॉज 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसी रहा, बराबर हो गया 1 माइनस कॉज 2x, और साइन स्क्वायर एक्स ऐसी रहा, ये हो गया 1 माइनस कॉज 2x बाई 2। तो i बराबर फार्मूला हो गया, हमने इसकी जगह बदल दिया, तो लिख दिया 1 अपॉन 2 माइनस कॉज 2x बाई 2 डी एक्स, जीरो से पाई बाई 2 लिमिट हो गई। इसका हो गया 1 अपॉन 2x, और इसका हो गया साइन 2x बाई 4, लिमिट लगा दी जीरो से पाई बाई 2। सबसे पहले हमने लिखा पाई बाई 2, 1 अपॉन 2 पाई बाई 2, फिर साइन 180 अपॉन 4, ऊपर अपर लिमिट रख गई। फिर हमने लिखा माइनस 0 वन अपॉन 2 इंटू 0 माइनस साइन 0 बाई 4, ये टर्म सब 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, तो आ गया पाई बाई 4। तो इस तरह से आंसर आपका क्लियर हो गया, तो दोनों का पाई बाई 4 आया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर सीखेंगे, और इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको न्यू न्यू जानकारी मिलती रहेंगी।